पाकिस्तानी सिंगर समीना सैमन आज की दुनिया किस रास्ते पर जा रही है हम बता नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से कोई किसी की दर्द और कोई किसी की फीलिंग को समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में इस समय हालत खराब है और लोग बात बात पर चाकू और गोली निकालकर इंसान का कत्लेआम करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे भी बुरे हालात तो पाकिस्तान में हैं। जी वहीं पाकिस्तान जहां के शाहिद अफरीदी कश्मीर को आजाद कराने की बात करते हैं और शोएब अख्तर क्रिकेट को छोड़ कश्मीर वालों का रोना रोते हैं। उसी पाकिस्तान में एक गायिका को इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वह किसी के पसंदीदा गाने गाने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तानी सिंगर समीना सैमन। जी हां, आपको बता दें कि इस तरीके की खबरें पाकिस्तान के मीडिया से निकलकर सामने आ रही हैं कि 24 साल की सिंगर समीना समूह को मंगलवार की रात एक लाइव प्रोग्राम में गोली मार दी है। इस लाइव प्रोग्राम की वीडियो भी सामने आ रही हैं जिसमें एक गायिका को एक के बाद एक तीन गोली मारता हुआ एक आदमी नजर आ रहा है। गायिका को जब अस्पताल लेकर पहुँचा गया तो उस समय तक यह मर चुकी थी। डॉक्टर ने अस्पताल पहुंचने के बाद गायिका का चेकअप किया और महिला को मृत घोषित कर दिया। बाद में उसके पति का कहना है कि उसकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। निश्चित रूप से पाकिस्तान को इस घटना ने हिलाकर रख दिया है कि एक महिला सिंगर जिसने कुछ गाने जो उस महिला को गंदे लग रहे थे उसने गाने से मना किया तो एक आदमी ने उसको सरेआम लाइव शो में गोलियों से भून कर रख दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस आदमी ने गोली मारी है वह नशे में था और उसको किसी भी बात का होश नहीं था। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा कि इस तरीके की घटना पर पाकिस्तान एक शाहिद अफरीदी अब किस तरह का बयान देते हैं।